खनन माफिया और उनके गुर्गों से परेशान होकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक बांदा से गुहार लगाई है और बताया है कि उनको खनन माफिया जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिसके तहत अवैध खनन और सीमांकन करने की शिकायत आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल और जिला अधिकारी को दी थी, जिस पर जिलाधिकारी ने अवैध खनन में दोषी पाए जाने पर खदान के निजी भूस्वामी खदान संचालक पर लगभग 45 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। उसी कार्रवाई से बौखला कर खदान संचालक और उसके गुर्ग पीड़ित को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जनपद में बालू खनन माफियों के हौसले इतने बुलंद है कि इनके खिलाफ आवाज उठाने वालों को ऐसी ही धमकियां दी जाती है। पीड़ित ने मांग की है कि उसकी और उसके परिवार की सुरक्षा की जाए। श्रीकांत श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह चुनाले है। मैं आम आदमी पार्टी प्रदेश का प्रदेश उपाध्यक्ष और निवर्तमान और बुंदेलखंड प्रभारी रहा हूँ किसानपोर्ट से। क्या मामला है? मामला आज हम लोग एसपी साहब से मिलने आए थे अपनी और अपने परिवार की जान माल की सुरक्षा के संबंध में, क्योंकि आप लोगों के संज्ञान में है कि मैंने अब चसपुरा क्षेत्र में जो गलौली खदान थी उस पर मैंने अवैध खनन की शिकायत किया था जिला प्रशासन से और आयुक्त महोदय से और सीमांकन की मांग किया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए आयुक्त महोदय ने राजस्व टीम खनन टीम से वहां का सीमांकन कराया था। सीमांकन के बाद में वो वहां पर अवैध खनन पाया गया था और सीमांकन से ज़्यादा वहां पर खनन हुआ था। इसकी पुष्टि अभी परसों नरसों के दिन जब जिलाधिकारी महोदय के यहां से एक लेटर जारी हुआ उसमें से निजी भूमि स्वामी खंड के भूमि स्वामी और खदान संचालक के ऊपर 46 लाख के आसपास जुर्माना हुआ है। जुर्माने के बाद में खदान संचालक धर्मेंद्र सिंह और पप्पू परिहार बौखला से गए हैं और लोगों से क्षेत्र में कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि चुनाव कितना बड़ा नेता है। मैंने किसी के व्यक्तिगत नुकसान नहीं किया, मैंने तो केवल जो गलत था गलत का मैंने विरोध किया है। उसके लगता है आपको कि लोगों से आपको खतरा है? अगर धमकी दे रहे हैं मुझे क्षेत्र के लोग, गांव के लोग बता रहे हैं, तो मैंने कहा अपनी मैं एसपी साहब से मिल लूँ और बता दूँ कि मुझे खतरा तो है ही। मुझे मैंने उनका कोई व्यक्तिगत विरोध, मैं चाहता हूँ कि मुझे और मेरे परिवार को और मेरी जान माल की सम्मान की और सुरक्षा मेरी बची रहे। इसी मुद्दे पर मैंने आज एसपी साहब से मिला, बात किया, उन्होंने कहा कि आप परेशान मत होइए और आपकी जांच हम सीईओ साहब नरेनी को दे रहे हैं, वो आपसे बात करेंगे, आपको कुछ नहीं होगा।